Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 3, different habitats of plants. Plants ke different habitats. Habitat means like home. Okay. Go to any place in India. Aap India mein kahin bhi place pe chale jaiye. You will find lots of different kinds of plants growing together. आप उनको अलग अलग टाइप के प्लांट्स एक साथ ग्रो करते हुए देखोगे. An assembly of different kinds of plants in a particular place is known as plant community. अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स एक साथ टुगेदर जो होते हैं, ठीक है, एक साथ असेंबली जो उनकी होती है, यानी एक साथ बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उस प्लेस को जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स की कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं, प्लांट कम्युनिटी कहते हैं. ओके. प्लांट्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज राइटली सुटेबल फॉर देम. प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस के रहते हैं जहाँ पे वेयर द क्लाइमेट इज राइटली सुटेबल फॉर देम, जहाँ की क्लाइमेट उनके अकॉर्डिंग उनके लिए सुटेबल होती है. दे नीड राइट काइंड ऑफ सॉइल टू, और उनको ग्रो करने के लिए राइट काइंड की, ठीक है, सॉइल भी चाहिए होती है, यानी उनको ग्रो करने के लिए अच्छी क्वालिटी की सॉइल की ज़रूरत होती है. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट डेजर्ट्स एंड सम इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. कुछ प्लांट्स काफ़ी हॉट प्लेसेस पे, यानी कि हॉट डेजर्ट में, जो डेजर्ट एरिया होता है काफ़ी हॉट होता है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, राइट. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो हॉट डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं जो काफ़ी कोल्ड प्लेसेस में ग्रो करते हैं. ओके. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं. सम अंडर वाटर. कुछ वाटर के अंदर ग्रो करते हैं. सम ऑन हिल्स. कुछ हिली एरियाज पे ग्रो करते हैं. एंड सम इवन ग्रो ऑन अदर ट्रीज. और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अदर ट्रीज पे ग्रो करते हैं. ओके. तो ये इतने सारे टाइप्स हैं, अलग अलग हैबिटेट्स हैं. ओके. हैबिटेट होता है जहाँ पे प्लांट रहते हैं, ठीक है. तो द लिविंग प्लेस ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल इज नोन एज इट्स हैबिटेट. सो लिविंग प्लेस, ओके, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसका लिविंग प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं वही जगह वही प्लेस उनकी हैबिटेट होती है, राइट. समटाइम्स द प्लांट्स हैव टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट. कभी कभी प्लांट्स को सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है. दिस एडजस्टमेंट टू वेरियस हैबिटेट इज नॉन एज एडेप्टेशन. अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये जो एडजस्टमेंट होता है, अपने आप को एडजस्ट करना, इसको एडेप्टेशन कहते हैं. ओके. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को उस हैबिटेट में एडजस्ट करना, दैट इज एडेप्टेशन, राइट. लेट अस स्टडी डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट. आइए स्टडी करते हैं प्लांट्स के अलग अलग हैबिटेट्स की. ओके. कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. ओके. नंबर वन, एक्वेटिक प्लांट्स. जैसे कि नाम से क्लियर है, एक्वेटिक, एक्वा मीन्स वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. वो सभी प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, और हाइड्रोफाइट्स, या हम इनको हाइड्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, राइट. सम प्लांट्स मे ग्रो इन रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स. कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं रिवर्स में, लेक में, या फिर पॉन्ड में. ओके. दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स. ये सभी फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं. ओके. ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं. सम मे ग्रो ओनली इन सी सॉल्ट वाटर. कुछ प्लांट्स होते हैं जो ओनली सी में ग्रो करते हैं, जहाँ का सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, क्योंकि जो सी होता है उसका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है. ओके. दे आर नॉन एज मैरिन प्लांट्स. ये मैरिन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, एज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है. तो आपने ग्रीन एल्गी बहुत कॉमन होती है, काफ़ी देखने को मिल जाती है, राइट. तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो वाटर में, वाटर के आसपास होते हैं. तो ये क्या होती हैं, ग्रीन एल्गी होती हैं, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी होती हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. ओके. तो एक्वेटिक प्लांट्स के भी टाइप्स हैं. नंबर वन, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स. अब देखिए, एक आता है हमारा सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स. प्लांट्स विच ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर आर कॉल्ड सबमर्ज प्लांट्स. वो सभी प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, टोटली वाटर के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट या फिर सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, राइट. लाइक लेक्यूस, एलग्रास, कोरोलिना, वेलेसनेरिया एंड हाइड्रिला, राइट. तो ये सब क्या है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है. तो ये सभी जो प्लांट्स होते हैं ये सबमर्ज होते हैं, यानी कि अंडर वाटर हाइड्रोफाइट्स हैं. ओके.
These plants can only live in water. ये जो plants होते हैं तो ये सिर्फ water के अंदर रह सकते हैं. These plants also need sunlight for photosynthesis. इन plants को भी photosynthesis के लिए sunlight की ज़रूरत होती है. Photosynthesis, you have studied about it in your previous classes. ठीक है, तो photosynthesis क्या होती है? In which the plants make their own food. Okay? तो जिनमें जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं sunlight की help से. तो वो photosynthesis होती है process. The sunlight can pass through water and reach these plants. तो इसमें क्या होता है, इनको सनलाइट कैसे मिलती है? सनलाइट जब सी के या वाटर के पास से होकर गुजरती है, ठीक है, तो तभी प्लांट्स को मिल जाती है, प्लांट्स तभी उसको सनलाइट को ले लेते हैं, राइट. नेक्स्ट, पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स. अब देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, यानी कि पार्शियली से मतलब है कि कुछ वाटर के ऊपर होते हैं और कुछ वाटर के नीचे, यानी कि उनका कुछ पार्ट, थोड़ा पार्ट वाटर के ऊपर रहता है सरफेस पे और कुछ वाटर के अंदर रहता है, राइट. तो ये पार्शियली सबमर्ज होते हैं. प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड एट द बॉटम बाय देयर रूट्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि लिली है, ठीक है, वाटर लिली है या लोटस है, तो ये क्या होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स रहती हैं बॉटम, इनकी जो बॉटम में रूट्स होती हैं तो वो क्या है, वाटर में फिक्स रहती हैं. बट देयर स्टेम्स आर लॉन्ग एंड ब्रिंग देयर लीव्स एंड फ्लावर्स अप टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. बट देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, लेकिन जो इनकी स्टैम्प होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं. एंड ब्रिंग देयर लीव्स एंड फ्लावर्स अप, और वो क्योंकि इनकी स्टैम्प लॉन्ग होती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, वाटर के इनकी जो लीव्स होती हैं या इनके जो फ्लावर्स होते हैं तो वाटर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. और ऊपर आने के बाद ये क्या करते हैं, जो वाटर का सरफेस होता है उस पर फ्लोट करते रहते हैं, राइट. आपने देखा भी होगा कभी लोटस का जो प्लांट होता है, लोटस आपने देखा होगा, ठीक है, फ्लावर को वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हुए देखा होगा, ठीक है. तो क्योंकि उनकी स्टेम्स लॉन्ग होती हैं इसीलिए उनकी जो लीव्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ओके. दे हैव सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्टेम. इनकी जो स्टैम्प्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और काफ़ी स्पॉन्जी भी होती हैं, ओके. देयर लीव्स आर यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट. इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ब्रॉड होती हैं और बिल्कुल फ्लैट होती हैं, राइट. स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो स्टोमाटा होता है इनकी लीव्स पे, वो ऊपर की साइड, ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये गैस को एक्सचेंज करती हैं, ओके. जब ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, राइट. तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं वो स्टोमाटा के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है, जैसे फिशेज जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं, ह्यूमन बींग होता है नोज से करते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो स्टोमाटा के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. दे आर लाइट इन वेट. दे These plants float on the surface of the water. ये जो plants होते हैं ये water के surface पे float करते रहते हैं, क्योंकि free floating होते हैं, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, ना water के अंदर होते हैं ना water के ऊपर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये water के surface पे ही float करते रहते हैं, ओके. They are light in weight. और इनका जो weight होता है काफ़ी light होता है. They bear roots which hang in water. इनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर में हैंग हो जाती हैं, ठीक है, वाटर के अंदर हैंग होती हैं. एंड हेल्प इन बैलेंसिंग द प्लांट देयर इन. और ये जो इनकी रूट्स होती हैं, हैंगिंग रूट्स होती हैं, यही इनकी वाटर में बैलेंस करने में इनकी हेल्प करते हैं, ओके. द लीव्स ऑफ वाटर हायसिंथ हैव बल्बस बेस फिल्ड विद एयर विच हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट. द लीव्स ऑफ वाटर, ठीक है, जो वाटर हेयरचिंथ होता है, दिस इज़ अ प्लांट, राइट. तो ये क्या होते हैं, द लीव्स ऑफ वाटर हेयरचिंथ हैव. वाटर हेयरचिंथ की जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, बल्बस बेस्ड. इनका जो बेस होता है वो काफ़ी बल्बस होता है, यानी उभरा हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे ऊपर की साइड आता हुआ, ठीक है. फिल्ड विद एयर विच हेल्प्स टू द प्लांट टू फ्लोट, जो कि प्लांट की हेल्प करता है फ्लोट करने में, ओके. क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं हियाचिंथ, वाटर हियाचिंथ जो प्लांट होता है उनकी लीव्स काफ़ी बल्बस होती हैं, उभरी हुई होती हैं, जिनकी वजह से वो एयर में फ्लोट करता है, राइट. इन डकवीड
The leaves lie flat on water, which also help it to float. जो डकवीट प्लांट होता है, ओके, डकवीट प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, देखो सेकेंड वाली पिक्चर में. द लीव्स लाई फ्लैट ऑन वाटर, तो इनकी जो लीव्स होती हैं, डकवीट प्लांट की जो लीव्स होती हैं, वो वाटर के ऊपर बिल्कुल फ्लैट लाई कर जाती हैं. ऐसा लगता है कि जैसे लेटी हुई हैं वाटर के ऊपर. ओके, तो जो हमारा डकवीट प्लांट होता है, उसकी लीव्स बिल्कुल वाटर सरफेस पे लाई कर जाती हैं. ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे इनको स्कैटर कर दिया हो, वाटर के ऊपर बिछा दिया हो. ओके, लाइक अ शीट. तो ये इस टाइप से वाटर के ऊपर बिल्कुल लाई कर जाती हैं, जिसकी विच ऑल्सो हेल्प इट टू फ्लोट, जो कि इनकी फ्लोट करने में, ठीक है, हेल्प करता है. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स: सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, पार्शियली सबमर्ज्ड, एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. राइट, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.